नमस्कार, ओम शांति। सतगुरु करता पुरख से तुहाडा फिर तो एक बार स्वागत आ। मित्रों, आज फिर असीं अपने भाई नाल तुहाडे वर्गो, मैनूं उम्मीद है तुहानूं इह प्रोग्राम बहुत सोहणा लगदा होणा। आइए स्वागत करदे आ निरवेर भाई साहब दा। भाई जी, तुहाडा इस कार्यक्रम च बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, 2-3 हफ्ते पहले बाबा ने मुरली च बोला था, एक धर्म, एक राज्य ते एक भाषा, यह दुनिया स्थापन होने वाली। ते तुसी अनुभवी है, ते बाबे नाल भी रहे, ते मम्मा नाल भी रहे, ते बड़ी बड़ी दादियां नाल भी तुसी रहे, ते ए दुनिया कद स्थापन होंगे? हुण ते इदा इतना विनाश होया करदा, इतनी दुनिया उथल पुथल होया करदा, तुहानूं तां कुछ थोड़ा बहुत अनुभव होना ही है कि कद आने वाली है दुनिया। देखो, तुसी बाबा दे बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दे नैना दे सारे नूरे रतन इस समय पुरुषोत्तम संगम युग ते सब ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार जो समर्पित भाव च भी चल रहे ने, या ज्ञानवान परिवार अपने अपने लौकिक जीवन च अपनी कारोबार भी कर रहे ने, सब कुछ करदिया होया भी सब दा जिहड़ा दृष्टिकोण है वो बदल गया। हर एक दूसरे नू जदों देखदे है, मुस्कुराउंदे है, आत्मिक भाव नाल एक दो नू ओम शांति कहिंदे है, ते अपनापन महसूस हुंदा ही, कोई पराया नहीं लगता। ते सब तो पहली गल है कि बाबा दे इस भाव नू अच्छी तरह असी समझिए कि जदों ये साडे मन च पक्का हो जाए कि असी शिव परमात्मा दे रूहानी बच्चे हैगे हैं, शिव परमात्मा और असी आत्मा रूप च सालीग्राम रूप आत्मा जिहड़ी जो भी है उस सब एक बाप दे अनादि अविनाशी बच्चे है। आत्मा भी अविनाशी है, शिव बाबा परमात्मा भी अविनाशी है, और इस करके असलियत तो यह हुई है कि असी सब परमात्मा पिता दी संतान है। गुरबाणी च भी अरदास गुरुद्वारे च जदों करते हैं शब्द यूज होंदे है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। उस वेले कोई ये नहीं कहिंदा ही कि फलाने धर्म वाले जिहड़े है वो सुख लैणगे ते बाकी नहीं लैणगे, इदां ते है नहीं। अच्छा, गुरबाणी च ये भी आउंदा ही, ये भी नहीं आउंदा कि जिहड़े गुरबाणी सुनदे है ओहो ही सिर्फ वाहिगुरू दे बच्चे है, होर नहीं हैगे, इस तरह ते है ही नहीं। इहदे वास्ते साडी जिहड़ी दृष्टि है, साडी जिहड़ी सोच है, साडा जिहड़ा एक दूजे दे प्रति भाव है, वो की असी रखदे हैं? अगर तुसी ये भाव रख दे हो कि जितने भी इस संसार च मनुष्य आत्मा हैं, जिन्हां ने शरीर धारण कीत्या होया, भावें वह किसी भी जगह किसी भी लौकिक धर्म च हैगे है, और जो भी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब परमात्मा दे बच्चे हैगे है। असी सुनिया जरूर है पहले, पर कभी ये सोचा नहीं कि सचमुच इस भावना नू अगर असी प्रैक्टिकल लाइफ च लियाइए तो साडी आउटलुक कितनी वास्ट हो जाती है, बहुत बेहद च चले जाने हैं, फिर पराया कोई लगता ही नहीं है। तो इस करके जो भी बाबा दे बच्चे
हाँ बाबा मैं कह रही परमात्मा वाहेगुरु शिव बाबा नू, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी रचयिता जेड़े है वो परम पिता परमात्मा शिव है, निराकार है, ते निराकार दे सब बच्चे निराकार आत्मा है गया, शरीर धारण कीता ते ब्रह्मा बाबा दे बच्चे जीव आत्मा है गया। उस हिसाब नाल देखो तुसी ते सारा संसार अपना परिवार है। उस दृष्टि नाल अगर तुसी देखणगे तो तुहानू कोई भी इंज नहीं लगेगा कि तुसी थोड़े जे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तुसी ते स्वर्ग दे मालिक बन जाओ और बाकियां दा विनाश हो जाए, एहो जी कोई गल नहीं है। लेकिन जिन्हां दा मन परमात्मा दे नाल लग्या होया, जेड़े अपनी जीवन नू इतना श्रेष्ठ देवी देवत्यां दी तरह बना लैंदे है, वो डिजर्व करदे है कि पहले पहले वो सतयुग च आउण, उस तो बाद फिर दूसरे आउणगे। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ तो इस करके अपनी सोच जड़ी है वो आध्यात्मिक ज्ञान दे आधार ते अगर होए तो बिल्कुल असी बेहद च रह करके हर एक आत्मा दे कल्याण वास्ते, हर एक आत्मा दे सुख शांति वास्ते अपने मन च बड़ा भावात्मक प्यार रखांगे। पाजी एक मैसेज आया, वो माता बोलदी कि बाबा ही संसार है, तो इहदा भाव क्या है कि मैं अपने घर परिवार वाले नू फिर किद्दां किनारा करके रखा, या मेरे जो हस्बैंड ने उन्हां दे किद्दां किनारा रखा, मतलब बाबा नू अपना संसार किद्दां मानना? बाबा नू जदों असी याद करदे आ, खास उस वेले दा टाइम है जदों असी याद च एकांत च बैठ जाने हैं या अपने मेडिटेशन रूम च बैठ जाने हैं या अपने ड्राइंग रूम च ही बैठ करके याद च बैठते हैं, तो उस वेले बाबा दे जिहड़ी एक अनुभव करन दी गल है, वो तां ही तुसी अनुभव करनगे हो जदों देह सहित अपनी देह उन्हों भी भुलो, देह सहित देह दे सारे संबंधों तो बुद्धि योग हटा के अपने आप नू आत्मा निश्चय करके और फिर शिव परमात्मा दे नाल मन लगाउणा, उस वेले दी इह फीलिंग हुंदी है कि एक मैं एक शिव बाबा, बाकी सब हैगे आ मैनू पता ही, ये नहीं कि नहीं हैगे है, दे आर देयर, वो तो है। लेकिन उस वेले जदों मैं इस याद च बैठता ही तो उस वेले सिवाय शिव बाबा तो होर किसे दे नाल मन नहीं लगाउंदे, होर किसे नू याद नहीं करदे। बाबा हमेशा कहंदे आ कि तुसी मेरे नाल अपना मन लगाओ, क्योंकि याद ते मन बुद्धि नाल ही कीता जांदा ही ना, ते उस वेले एक पासे याद शिव बाबा दी करनी है और सोल कॉन्शियस हो करके करनी, फिर जेड़ा साडा परिवार है बच्चे है सब है उन्हां दे वास्ते योग च रहिंदिआं होइआं बड़ी शुभ भावना दे परकंपन देने हुंदे है कि मेरे सब जो भी मेरे संबंधी है, मेरा पति है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे संबंधी हैं, ये सब भी सदा सुखी रहन, सदा शांत रहन, सदा मौज रहन, सदा स्वस्थ रहन, तो उन्हां वास्ते भी शिव बाबा दे नाल मन लगा के उपर कंपन उन्हां नूं देने होंदे है। तुसी सन्यासी नहीं बनते हो, तुसी राजयोगी हैगे हो। राजयोगी दा मतलब ही है कि इस दुनिया च
अपनी सारी ड्यूटीज करते हुए माँ है तो बच्चों की संभाल करनी माँ की ड्यूटी है, पिता जी है तो पिता जी ने सारे परिवार के वास्ते ध्यान रखना ही कि कमाई करके सबनों सुखी रखना ही, और इस तरह ही बच्चों का फर्ज है कि अपनी पढ़ाई पढ़ करके माता पिता का नाम रोशन करना ही। तो ये वास्ते तो बड़ा सहज तरीका ही, अगर सारा ही परिवार एक शिव बाबा परमात्मा नूं याद करेगा तो देखो की तुहाडा घर का एटमोसफियर की बनेगा, इतना सुंदर सुखद दिलचस्प हो जाएगा। तो इस करके तुसी ये ना समझना कि बाबा नूं याद करना ही तो इस करके तुसी सन्यासी बन जाएंगे, नहीं, तुसी कमल पुष्प समान जीवन अपनी बतीत करनी हो, गृहस्थ व्यवहार च रहिंदिया होया जिथे भी है गयो, लेकिन कमल फूल की तरह पवित्र रहन गयो, जिथे पवित्रता है उत्थे शांति है और सुख है, आनंद है, परिवार खुशहाल रहे, इस भावना नाल तुसी शिव बाबा नूं भी याद करो, ज्ञान भी अच्छी तरह अध्ययन करो और उसनों अच्छी तरह अपने जीवन च लिया करके अपने कर्मां नूं इन्ना श्रेष्ठ बनाओ कि तुहाडे घर वाले समझन कि ते साडे घर च देवी हैगे है, ये देवता हैगे है। बच्चों देखो तो जैसे बच्चे राधे कृष्ण की तरह है, तो ये भावना चाहिए है जी। पाजी बाबा बोलते बुद्धि ते सरेंडर हो जाओ, तो बुद्धि ते किदा सरेंडर होना, कद कद इदा भी होंदा कि असी बाबा नूं याद करदे तो उहदी परख क्या होनी कि असी अपनी बुद्धि सरेंडर करती, किदा असी अपनी बुद्धि नूं परखेगी वो मेरी बुद्धि बाबे उपर या बाबे नूं सरेंडर करती। असी बाबा हमेशा बच्चों नूं कहिंदा ही कि बच्चे मन मना भाव, मन मेरे नाल लगो। सरेंडर करन दा मतलब की है कि होर गल्लां च ना जाओ, जिहड़ियां गल्लां तुहाडा समय बर्बाद कर दियां, समय वेस्ट कर दिया, उन्हां तो डिटैच हो जाओ। ये चीज़ का बड़ा ध्यान चाहिदा है क्योंकि देखा जाता है कि जीवन सहज राज योग के आधार पर बड़ा सुंदर बनता है, बहुत श्रेष्ठ बनता है। तो अगर असी फिर भी अपने स्टेटस के कारण या धन के कारण या स्टडी के कारण या अपने लौकिक कोई वड़े परिवार दे कारण असी अगर अपना सोच जेड़ा ही उदे च अगर असी दे अभिमान रखिए, अभिमान रखिए, किसे दे नाल ईर्षा द्वेष रखिए, ते फिर तुसी जो जीवन च सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, वो नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि मन हर वेले उलझन च पिया रहेगा, ऐ भी करना, इनू ये नहीं करना, इनू वो नहीं करना, इन्हां गल्लां च ही सारा टाइम चल जाएगा। इस करके बड़ा ध्यान चाहिदा जेड़ा बाबा कहिंदा तुहाडा ये समय जेड़ा ही पुरशोत्तम संगम युग का ये बहुत वैल्यूएबल है, इस करके इस नूं व्यर्थ ना गवाओ,
और व्यर्थ ना गवाउन दा एक ही सहज तरीका ही मन मना भव शिव बाबा दे नाल मन लगाओ लक्ष्य रखो वे असी देवता बनना ही मध्याजी भव और उदा आधार है बाबा दी श्रीमत जो श्रीमत दे अनुसार असी अपना हर कदम उठावांगे तो श्रीमत सानू श्रेष्ठ बनाएगी श्रीमत दे आधार ते साडा हर कर्म श्रेष्ठ होएगा इस करके होर गल्लां नू त्याग करके अपना जिहड़ा लक्ष्य है उहदे ते तुहाडे मन दा निशाना सदा रहना चाहीदा जी पाजी असीं जिहड़ा पुरशार्थ करदे उच रुकावट आंदी ते रुकावट आने दा कारण की ते मैनू की करना पऊंगा जे ओ पुरशार्थ साडे च रुकावट ना आए रुकावट आंदी तां ही ते तुसीं पुरशार्थ कर दियो जी रुकावट ही ना आए ते फिर पुरशार्थ की करना लेकिन बाबा ने इहदे वास्ते बहुत अच्छी अच्छी गल्लां दसियां ही रुकावट जदों आउंदी है तो उहदे वास्ते अगर थोड़ी जी खाई आउंदी है तो छलांग लगा के क्रॉस कर लो जी हाँ जी फिर बाबा ने होर गल्लां दसियां कि तुसी आहिस्ता आहिस्ता पहले तो देखो पैदल करन दी गल सी उस तो बाद फिर साइकल और साइकल तो बाद कार और कार तो बाद हवाई जहाज यात्रा करन दे कई तरीके है तो तुसी याद दी यात्रा दा जिहड़ा स्वरूप है उस नूं थोड़ा 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 अगे वधाओ तो उहदे विच बाबा कहिंदा ई कि जदों तुसी अपनी उड़ती कला च रहणगे तो उड़ती कला च रहण करके तुसी रुकावटां नूं इस तरह क्रॉस कर लैणगे रुकावट दे नाल चिटक नहीं जाओ तुसी दूरों देख करके समझ लो ये रुकावट है और इस नूं पार करन दा तरीका ही बाबा बस हाँ गुरबाणी च जिस तरह आउंदा ई नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार प्रैक्टिकल ते वो नाम अर्थात शिव बाबा दी याद जदों तुहाडा मन उहनां दे नाल लगेगा तो सदा ही उड़दी कला च जाणगे और फिर कोई रुकावट नहीं रहेगी जी, जी। एक यज्ञ च बैगरी पार्ट बजया था उस समय दा की अनुभव है तुहाडा बैगरी पार्ट दा मतलब की है कोई बैगर बन करके कोई बाहर गया नहीं है जी कोई मंगन वास्ते जी जी किसे को कोई पैसे मंगने हैं या अनाज मंगना या और कुछ इस तरह नहीं है बैगरी पार्ट का बड़ा एक गहरा राज है गाई जी। और वो राज आम दुनिया च लोगों नू पता नहीं लगता इस चीज का राज ए सी के एक एहो जा दिन आया जी जदों जो साडे खजाना संभालन वाली भैन उन्हें देखा कि भंडारी च सिर्फ अठ आने रहे और उस वेले यज्ञ च भैणा भाई काफी है गए सी जी माउंट आबू की गल जी 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 तो उन्होंने बाबा नूं कहा
कि बाबा भंडारी च सिर्फ आटा आने ते आटा भी नहीं चावल भी नहीं दाल भी नहीं सब्जी भी नहीं तो की करिए हुण ते बाबा नू ए निश्चय सी सदा कि ए जेड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू कीता ए शिव बाबा ने परमात्मा ने कीता सर्वशक्तिवान ने ते उन्हां दी जिम्मेदारी है किदां देखे के बच्चां दी पालना करनी ते बाबा उस निश्चय च रह करके उन्हां नू जवाब दिता भैन जी नू कि बच्ची थोड़ा ठहरो 10 बजे पोस्ट आती है जी सुबह को 10 बजे और विश्वरतन जाएगा वो क्या संदेश ले आता है फिर उसके अनुसार बता देंगे अब ऐसा है कि ये बातें कहीं ना कहीं तो चली जाती हैं तो यज्ञ निवासी जो भैन भरा है गए सी उन्हां दे रिश्तेदार उन्हां दे कोई बड़े समीप तो उन्हां च साड़ी दीदी मनमोहिनी और दादी शीलिंद्रा उन्हां दी सगी भरजाई नाम भी दस दिया कमला बहन जी बॉम्बे जी ते उना नू या ते किसे ने दस्या होएगा या उना नू ख्याल आया होएगा तो उसने मनी ऑर्डर भेज दिता काफी वड्डा अमाउंट सी 10,000 ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਸਸਤਾਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗੇਹੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗੇਹੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਰਤਨ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੈਗਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ थोड़ा लाइफ च दिक्कत आउंदियां ही ते किस तरह उहदा सामना करना ही वो एक ट्रेनिंग सी उहदे वास्ते बाबा सब बच्चों नू जो भी उस वेले भैणां भी सी भाई भी हैगे सी उहनां नू सवेरे सवेरे पैदल करन वास्ते लै जांदे सी पहाड़ां ते चले जाना नक्की लेक दी तरफ और उन्हां दिनां च करांदे हुंदे सी जिस तरह अजकल भी है गया थोड़े थोड़े तो ब्रेकफास्ट करांदे खा करके हो जांदा सी ओ जंगलां ते जिहड़े फल फ्रूट लैणे जी 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 मतलब कहण दा इक बड़ी सिंपल लाइफ सी भोजन तो सदा ही मिलिया यज्ञ च इस तरह कदी नहीं होया कि बच्चां नूं भोजन ना मिले ते इस करके एक जिस तरह नहीं टेस्ट होंदा ही यज्ञ च रहन वालियां दा भी एक प्रकार दा टेस्ट सी के इना ने जेड़ा पहले अपने आप खुद ही वायदा कीता ही तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से आसरस चाऊं कदी एहो जा ख्याल ना आए कि मैं यज्ञ छड़ करके चल जाऊं हाँ कोई कोई एहो जे भी है गए सी कोई कोई भाई भी है गए सी बाबा ना गल करके कि असी बाहर जा के बिजनेस करके कमाई करके असी यज्ञ नू सहयोग देंगे इस तरह कह करके वो गए बार गए उन्होंने कीता भी करते रहे लेकिन मैं जदों तो मैं उस वेले शायद पिछले जन्म च होवांगा
ना ऐसे जन्म ची सी, लेकिन उस वेले मैं ज्ञान नहीं लिया जी, नहीं लिया था। जी, जी, जी। तो मैं तो देखा कि जदों तो मैं यज्ञ दे नाल मेरा संबंध जुड़िया, आश्रम च जाना शुरू कीता बॉम्बे च, या माउंट आबू आए, तो मैनू तो बैगरी बैगरी कोई पार्ट देखन च आया नहीं, सच्ची गल ये है। जी जी। बाकी ये एक एहो जिहा समय सी कि जेड़े भैन भरा बहुत वड्डे घरां तो आए हुए सी, उन्होंने सिंपलिसिटी सिखाउण वास्ते ये एक एहो जिहा समय भी आया जी, जिस करके ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਫਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਬੈਗਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਭੇਜਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੱਗ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਇਕਦਮ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਕਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਯ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਅਵਿਅਕਤ ਮੁਰਲੀ 'ਚ, ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਤਾ ਰਹਾ, ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਫਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ
बाबा हमेशा कहता सी नहीं, दूध और दही लस्सी ये नेचुरल चीज़ा है गया, पर गाय का दूध इस करके यज्ञ बाबा ने गाय मंगा के रखी हुई सी, अठ गाय सी। अहीं जदों ज्ञान लिया तो अठ गाय है गया सी। सानू तो अज दिन ताई बाबे ने कदी ये नहीं कहा कि तुहानू दुध नहीं मिलेगा। मित्रों अगली कड़ी च फिर तुहाडे वर्गो फिर तो कुछ प्रश्न लैके आएंगे ते नाले भाई दा कुछ अनुभव भी, अनुभव ते साडा जीवन बहुत अच्छा हो सकदा। तद तक लई नमस्कार ते ओम शांति ते नाले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, ओम शांति।